न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा क्राइम के मामले में कितना बदनाम है ये किसी से छिपा नहीं। रात होते ही ये क्राइम और तेजी से बढ़ने लगता है और तेजी से रेप की वारदातें होती हैं और तेजी से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ गैंग रेप होता है और तेजी से तमाम काले कारनामे आधी रात को होते हैं। लेकिन क्या आधी रात को आपको सड़कों पर पुलिस वाले दिखते हैं? क्या आधी रात को अगर आप शिकायत करते हैं तो तमाम जो गलत चीजें हैं उनको रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाता है पुलिस वालों की तरफ से? ये एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं और फरीदाबाद में अलग अलग कोनों पे जाके अलग अलग जगह पर जाके इस बात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई काम होता है, क्या शिकायत करने पर कार्रवाई होती है। क्योंकि अमूमन तो हम देखते हैं कि केसेस में शिकायत करते रह जाते हैं लेकिन कोई एक्शन होता नहीं, लेकिन आज शिकायत भी होगी और देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई हो पाती है या फिर हाथ लगती है तो बस मायूसी। चलिए शुरुआत करते हैं सफर का फरीदाबाद की सड़कों पर। हरी का प्रदेश सुरक्षित है, महिलाओं में एक आत्मविश्वास जगह है, ये हम नहीं कह रहे मुखिया जी, ये आप कह रहे हैं। बाबा फरीद की नगरी को आपने स्मार्ट घोषित कर दिया है, लेकिन ये कितने स्मार्ट है पिछले एक हफ्ते की दरिंदगी की तस्वीरें बोल रही हैं। नींद तोड़ो सरकार, ये आज आपकी बेटियां कह रही हैं। आप पर तो सत्ता का नशा छाया हुआ है लेकिन इंसान शैतान बन रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये शराब की बोतल। जी हाँ, इसकी दो फूट इंसान को शैतान बनाने के लिए काफी है। आप कहते हैं महिला सुरक्षित है और अपराध को बढ़ावा देने वाला ये गुलाबी पानी जो अवैध तरीके से मिलता है, मुखिया जी कितना सही कह रहे हैं और मंत्री जी के दावे कितने सच हैं? यही जानने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची फरीदाबाद, जिसे सीएम साहब स्मार्ट बताते हैं, जहां दो पैक 24/7 अवेलेबल है। ग्राउंड जीरो पर उतरी हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर और टीम ने जो देखा आप भी देखो मुखिया जी। हरियाणा में शराब के ठेकों पर बिक्री 12 बजे बंद हो जाती है, लेकिन फरीदाबाद में इंसान से वहशी बनने की ये दवाई 24 घंटे आसानी से मिलती है। शराब के ठेकों को 11 बजे बंद हो जाना है, लेकिन इस वक्त अगर टाइम की बात करें तो रात के 12:20 हुए हैं, लेकिन अभी भी शराब के ठेके खुले हुए हैं। जुगाड़ बहुत चलता है इंडिया में और उसी जुगाड़ का यहाँ पर ठेके पे भी इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है और नशे में होने की वजह से क्राइम और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक ठेका यहाँ पर खुला है, जुगाड़ सिस्टम से हम भी देखते हैं कि क्या दारू हमें मिल पाती है यहाँ से। भैया मिलेगी? कितने की है देना? दिखाना भैया, नई वाली बोतल है पुरानी? नहीं, दिखाना नई की पैकिंग। पैसे बढ़ाइए तब तो देंगे। पैसे तो बढ़ा रहे, नई की पैकिंग तो दिखा दीजिए। दिखा देंगे, बाहर कभी तो माल आएगा ना, पैसे अंदर आएंगे। तो पैसे लेके आप माल बाहर नहीं देंगे तो? माल क्यों नहीं देंगे? तो हम पैसे क्यों नहीं देंगे? पैसे पहले पड़ेंगे तब माल मिलेगा बाहर। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं ये। अच्छा हाँ ठीक है, पैसे आप ले लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि ठेका पूरी रात खुला है? पूरी रात बराबर मिलेगा माल। अगर ये खत्म हो जाए तो और ले लेंगे ना यहाँ से। ठीक है, के लीजिए। खुले हैं आपके पास 2000 के लीजिए। इंकलाब बिना तो रात में सोते नहीं है आप लोग? काम नहीं होता भाई। सात ईयर है। नई बोतल पुरानी से अच्छी है कि यही?
चलिए ठीक है, आप ये दे दीजिए 500 रुपए की। हाँ, सोडा वगैरह भी होता है क्या आपके पास? तो यहाँ पे सिर्फ दारू मिलेगी? आप भी पीते हो? पी के बैठे हो भी? तो फिर आप पूरी रात आप ही होते हो यहाँ पर और कोई नहीं होता? लोग खरीदने आते हैं रात को? चलिए ठीक है, एक बॉटल तो ले लिया। फिर अगर दोबारा लेनी होती तो हम थोड़ी देर में आते हैं आपसे लेने। सो तो नहीं जाओगे आप? अच्छा, तो खोल लोगे तो इससे चोरी वगैरह नहीं होती? कोई खोल के चला जाए? ताला बंद रहता है ना? नहीं, यहाँ से कोई सेफ है? फरीदाबाद तो वैसे भी बहुत बदनाम हो रखा है आजकल। तो अंकल आप जरा, तो वैसे शराब बेचना अलाउड तो नहीं है ना? पैसे खर्च होते हैं। पैसे खर्चे हैं। आपसे भी लेके जाते हैं पैसे? शराब की बोतलें लेते होंगे मंथली? तो उसके बाद कुछ नहीं लेते? कुछ कहते ही नहीं है? आपका ठेका है कि किरा आप मतलब भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस वाले सही कमा रहे हैं। तो शराब भी फ्री में लेते होंगे आपसे? तो अच्छा, एस एच ओ वगैरह लेता होगा ना? एस एच ओ लेता होगा, क्या लेता होगा? 10,000 के आसपास? 15,000 महीना? जितनी मर्जी शराब बेच लो। चलो अंकल बढ़िया है, शराब बेचो आप धड़ल्ले से। एक्सीडेंट ज्यादा नहीं होते इसकी वजह से? ना ना ना, एक्सीडेंट तो होंगे, लड़कियां छेड़ते हैं लोग पी के। तभी तो इतने रेप हुए, तो किसी की वजह से थोड़ी, बातचीत से थोड़ी हुए होंगे, वो तो वैसे ही हुए होंगे ना अंकल? गलत आदमी होते ही नहीं, वो चीज भी आपकी सही है। तो पुलिस वालों को आप कंप्लेंट कर दो। इससे हम किससे करें? एसपी को बोल दो। चलो हम आपको फिर फोन कर देंगे। तो हमें तो नहीं पकड़ लेंगे पुलिस वाले? ना ना, क्योंकि वहाँ पे तो खड़ी हुई है ना एक पीसीआर। आपसे वो लेती है पैसे? सब लेते हैं। तो अंकल आप कितने पैसे देते हो? इतनी शराब बिकती भी आपकी? 80 दुकानें यहाँ पूरे फरीदाबाद में, तो सबकी अलग अलग 15,000 लेते हैं। चलो अंकल थोड़ी देर में आके देखते हैं, अगर और चाहिए हो तो। फिलहाल तो एक से कम ग्लास मिल जाएंगे? अरे ग्लास तो दे दो अंकल, कैसे पियेंगे फिर? देख लो अगर आपके पास ग्लास हो तो, एक बार देखना कोई ग्लास अगर हो तो। कांच का कॉम्प्लीमेंट्री तो अंकल, और भी तो लोग हैं गाड़ी में, आपको दे दिया बस। एक और मिल जाएगा? बस एक ही ले जाओ। एक तो दे दो अंकल, दो तो कम से कम हो, एक बंदा एक टाइम पे थोड़ी पिएगा। कितने लोग हो? हम तो 4 लोग हैं। हाँ, 4 लेडीज? नहीं नहीं, 4 लेडीज नहीं है, 3 लेडीज है, 1 जेंट्स है। आपके तो इतने ग्लास तो आपके पास आते हैं दारू के साथ, तो फिर दे दो ना अंकल। मिला अंकल? कैसे अलग अलग ग्लास ढूंढ के ला रहे हो अंकल? थैंक यू अंकल, अब देखते थोड़ी देर में, अगर और चाहिए हो तो लेते हैं अंकल। अंकल ये दारू खुली हुई है? अरे खुली हुई है, देखो अंकल, देखो खुली हुई है। अरे नहीं होती अंकल, चेंज कर दो अंकल, चेंज कर दो, चेंज कर दो।
अंकल अच्छी वाली दे दो कोई। नोट भी गीले हो गए मेरे, नोट चेंज कर दोगे? शराब में से बदबू आ रही है अंकल, शराब से बदबू आ रही है, वो घर में पता चल जाएगा ना फिर अंकल। हाँ जी, किसमें क्या कह रहे हो? नहीं ठीक है, थैंक यू अंकल, ओके गुड नाइट। देखिए 2000 का नोट दिया और ये शराब रात के 12:30 बजे मेरे हाथ में है, और इन दुकान वाले अंकल का कहना है कि बेटा कभी भी आओ और ये शराब आपको यहाँ से मिल जाएगी। पुलिस वालों को मंथली जाती है और उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ग्लास और ये दारू। पहले कैमरे पर जहाँ ठेके का छेद प्रशासन के खुफिया तंत्र की पोल खोल रहा है, वहीं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद ठेके पर पहुंची हमारी दूसरी टीम ने इस गफलत को भी दूर कर दिया कि जनाब ये कहानी एक ठेके की नहीं है, अमूमन सभी ठेकों पर ये हालात हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ऑपरेशन मधुशाला जारी है। ये तो हुआ रियलिटी चेक इस बात का कि हैवान बनाने के ठिकाने यहाँ रात भर खुले हैं। बारी इस बात की थी कि कहाँ है वो रक्षक जो इस बात का दम भरते हैं कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। इस घुप अंधेरे और सुनसान सड़क पर कुछ ही दूर पर एक पीसीआर हमारी टीम को दिख गई और हरियाणा न्यूज के सवालों की बौछार में इस खाकी वाले की आवाज निकलना मुश्किल हो गई। पेट्रोलिंग पे हो? दारू कैसे बिक रही है? दारू कैसे बिक रही है रात को? कहाँ पर मैडम? चलिए ठेके में दारू कैसे बिक रही है? ठेके में बिक रही है। हाँ? कितनी मंथली मिलती है? ठेके वाला ही कह रहा है कि मंथली लेके जाते हैं आप लोग। चलिए। हड़बड़ाहट में ये पुलिसकर्मी सभी चीजों को नकारते नजर आए, लेकिन बारी थी रियलिटी की दूसरी तस्वीर की, यानी इन पुलिसकर्मियों को झूठा साबित करने की। ये कह रहे हैं कि कहां से मिल रही है इनको मालूम नहीं, ये कह रहे हैं कि पैसे कितने लिए इनको ये भी मालूम नहीं है, चलते ही नहीं के साथ, और अगर शराब बिक रही है तो क्या कार्रवाई होगी? उचित का मतलब क्या होता है? चलिए इन्हीं के साथ इनकी गाड़ी में सवाल पूछने के लिए कि आखिर रात के 12:30 बजे शराब कैसे बिक रही है, किसको मंथली ज्यादा है, एसएचओ का नाम लिया जा रहा था और ये तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। चलिए भैया, आपको मालूम नहीं है शराब बिकती है? पहली बार देख रहे हैं क्या शराब बिकती हुए? इतने गैंग रेप हो रहे हैं फरीदाबाद में, इतना क्राइम हो रहा है फरीदाबाद में, तो आप पूरी रात अगर यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं तो आपको ये मालूम नहीं पड़ा कि शराब के ठेके पे शराब बिक रही है? वो शख्स खुलेआम ये कह रहा है कि रात को 12:30 बजे ठीक है आप अभी ले जाइए, आप पूरी रात कभी भी आइए, आपको जो शराब चाहिए आपको मिलेगी। कैसे कह रहा है कि एसएचओ को मंथली जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन पूछ नहीं, मैंने कहा कि पुलिस की तो पीसीआर वैन वहाँ पे खड़ी है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एसएचओ को मंथली जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे पूछने से काम नहीं बनेगा?
80 ठेके हैं उन जनाब के, वो कह रहे हैं हर ठेके से ऐसे जो पैसे लेके जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी सेटिंग है। भाई साहब अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे हैं आप? ऐसा जी हमें तो इस बारे में नॉलेज है नहीं कि मत खरीद आती है नहीं सकती। हां तो कैसे कह सकते? अच्छा आपको नहीं मिलती? हम कुछ नहीं लेते। आपको नहीं मिलती आप? अच्छा तो पूरी रात आप यहीं पे घूमते हैं? हां जी सर। कभी आपको ठेके के शटर में एक स्क्वायर डिब्बा दिखाई नहीं दिया? वो कट दिखाई नहीं दिया आपको शटर से, जिस कट के जरिए शराब की बिक्री होती है? इतने बड़े बड़े डब्बे बना रखे हैं और वो आपको कट दिखाई नहीं दिया? भाई साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत गंभीर है। बताइए भाई साहब कैसे हो रहा है ये सब कुछ? भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, एक पहली बार आ रहे हैं क्या यहाँ पे ड्यूटी पे? पहली बार तो नहीं। फिर कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? हफ्ते में एक दो बार लग जाते। कभी तो दिखा होगा आपको शराब बिकते हुए यहाँ पर? जी हमने कभी नहीं देखा। कितने साल हो गए यहाँ पे? 3 साल हो गए। 3 साल में आपको एक बार भी यहाँ पे शराब बिकती हुई नहीं दिखाई दी? और मुझे पहली बारी में यहाँ पर आकर शराब बिकती हुई दिखाई दी और मैंने खरीद भी ली? चलिए चलिए रोक लीजिए यहीं पर रोक लीजिए। वोडका है? वोडका दे दो। वोडका कौन सी है? वोडका दे दो। एब्सोल्यूट वोडका दे दो अंकल। हाँ वो वोडका, वो कुछ लोग वोडका नहीं, वोडका पीने चाहते हैं, रम नहीं पी रहे। छोटी कितने की है? हाँ दे दो, छोटी वाली दे दो। दिखाना कितनी बड़ी है, दिखाना अंकल। अरे दिखा दो अंकल, हम कोई शराब लेके आपकी भाग थोड़ी जाएंगे। चलिए लो पैसे लेके ले लीजिए। इससे छोटी वाली कोई नहीं है क्या? बियर होगी, बियर दे दो। चलो एक बियर का कैन दे दो, किंगफिशर। कौन सा मिलेगा? बीरा है, बीरा दे दो। रम को चेंज करके बियर दोगे क्या? रम को चेंज कर बीरा दे दोगे? आप रम को चेंज कर दो, 500 रुपए की अभी रम ली थी ना, इसको बीरा दे दो, दो बीरा दे दो मुझे। टीम को बुला लीजिए, अपनी बुलाइए। ये दो बियर, पहले रम खरीदी उसको रिप्लेस करके अब बियर खरीदी, वो भी इन पुलिस वालों के सामने। अब जनाब अपनी टीम को बुला रहे। हाँ जी बिक रही है कि नहीं शराब? इसी ठेके से खरीदी अभी रम, यहाँ पे बदल दी। पूरी रात आकर कोई भी शराब यहाँ से खरीद सकता है। दारू पी के सड़क पे चलती हुई लड़की को छेड़ेंगे, लड़की के साथ गैंग रेप करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, किसी के साथ लूट करेंगे, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? इनकी पीसीआर बगल में खड़ी थी बहुत देर तक, वो तो यहाँ ठेके पर दारू पी के। आपकी पीसीआर यहाँ पे कितने समय से थी? होगी जी 20-25 मिनट से। कहाँ पे खड़ी खड़ी थी ना वहाँ पर? ये ठेका नहीं दिखाई दिया आपको? बंद हो गया है आपको, ये दिख नहीं रहा? ये लाइटें अभी बंद की आपके आने के बाद, अभी आपके दरवाजा खटखटाने के बाद ये लाइटें यहाँ से बंद की हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ तो फिर तुम ये आपने बजाया तब खुला नहीं? नहीं 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 भाई साहब, लाइटें अंदर से जल रही थी, ये जो ये आपको दिखाई नहीं दी ये भी किस लिए? यहाँ पे अंदर हवा चाहिए क्या? ये अंदर हवा भेजने के लिए किस लिए? ये जुगाड़ सिस्टम है और यही चलता है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है जुगाड़ के बारे में?
मालूम नहीं आपको जी, हमें मालूम ये किस लिए है? अरे ये आप देखने की कोशिश भी नहीं करते कि आसपास हो क्या रहा है? अगर इसके अंदर से लाइट जल रही है, अगर इसके अंदर से दोनों जगह से लाइट जल रही है, दोनों जगह से शराबें बेची जा रही है, आपको नहीं दिख रहा है? आप यहाँ पे क्या पेट्रोलिंग कर रहे हैं? आप यहाँ पे घूम के क्या देख रहे हैं बताइए? भाई साहब आपसे पूछ रही हूँ, सुरक्षा का सवाल है और ये बेहद गंभीर है। जैसे जैसे ठंड बढ़ी और खूब अंधेरा और गहराता गया, प्रशासन के गलियारों में इस रियलिटी चेक से गर्मी बढ़ गई। क्या थाना प्रभारी, क्या एसीपी एक साथ ठेके पर हाजिर हो गए और देने लगे सफाई। अंदर से कोई आवाज आ रही है, ना अंदर से कोई शराब बेचने के लिए बाहर आ रहा है और ना ही इन पुलिस वालों की सुनी जा रही है। इनको मालूम नहीं था, ये बेचारे अनजान थे, लेकिन आज जब हमारे कैमरा ने इनको हकीकत से रूबरू कराया, उसके बावजूद भी कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए, मैं खुद ली, मैंने खुद शराब ली थी। मंत्री जी से फोन पर बात हुई थी, क्या कहा मंत्री जी ने? सील करने के लिए आदेश दिया मंत्री। ये बाहर क्यों नहीं निकल रहे लोग? देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, ये लोग तो बहुत देर से देख रहे हैं। भाई साहब आप इतने भी अनजान नहीं है, पुलिस वाले हैं, पुलिस इतनी स्मार्ट तो होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी की यहाँ से ये मोरी किस लिए बनाएंगे? ये मोरी किस लिए बनाएंगे? फोटो खींचने के लिए अपनी? ये कोई फ्रेम तो नहीं है ना? ये किस लिए है यहाँ पर? ये किस लिए है यहाँ पर? यही सही जुगाड़ में शराब बेची जाती है पूरी रात भर और आप लोगों को कोई भनक तक नहीं? हाँ आप लोग देखेंगे नहीं ना, पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ इस ठेके पर और सीधा यहाँ से शराब खरीदी क्योंकि ये खुला हुआ था, अंदर लाइट तक जल रही थी और पूरी रात यहाँ पर शराब मिलेगी। आप लोगों को जरा भी मालूम नहीं क्या बात कर रहे हैं? यहीं पर ही रहते हैं आप, यहीं की ड्यूटी है आपकी, फिर भी आपको मालूम नहीं है, इससे शर्म की और बात क्या होगी? एसएचओ साहब को फोन लगाएंगे आप? किसी की ड्यूटी तो होगी कि किसी की ड्यूटी नहीं है? तो आप क्या करना है फिर यहाँ पर? या आप बाहर नहीं आ रहे हैं? भाई साहब इनके सामने भी ली है, एसएचओ साहब तो शायद फोन पे आएंगे नहीं, डीजीपी साहब से नीचे बात बनेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मंत्री जी भी बोल चुके हैं कि सील कर दीजिए अगर कोई बाहर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं। आप एसएचओ हैं? एसएचओ अनिल कुमार, अच्छा आप चौकी इंचार्ज हैं और ये आप ही का नाम ले रहे हैं यहाँ पर कि आप मंथली जाते हैं उनको, इसलिए पुलिस से सेटिंग है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको रात भर में जब भी शराब चाहिए हो, जितनी बार शराब चाहिए हो, यहाँ पे मिलेगी। कैसे हो सकता है ये सब कुछ? आपकी पुलिस ने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ और आप मुझे कह रहे हैं कि अभी आप कंप्लेंट दे दीजिए? हमने ना देखा मैडम जी, हम क्यों गए? आपके ये भाई साहब थे यहाँ पर? थे आप? कोई ग्राहक नहीं होता ये? इन्होंने खुद नहीं खरीदी। ग्राहक नहीं हूँ, आप ग्राहक हमें नहीं पता जी, आपने खरीदी है नहीं खरीदी? कोई पब्लिक का कोई आदमी हो तो बता दो मौके पर। हम पब्लिक नहीं है, हम पब्लिक नहीं है। नहीं पब्लिक क्या? आपकी पुलिस क्या बात कर रही है? नहीं आप चाहते हैं मैं डीजीपी साहब को ही लाइन पे लूं तभी कोई बात बनेगी? नहीं नहीं ये कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई ग्राहक नहीं थे? आप कोई ग्राहक लेकर आओ यहाँ पे, हम तब मानेंगे। नहीं आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? मंत्री साहब ने ये कहा है, सुनिए मेरी बात, मंत्री साहब ने ये कहा है कि अंदर से अगर कोई खोल नहीं रहा है ठेके को तो सील कर दीजिए इसको। मंत्री साहब ने आदेश दिए हैं, मैं आदेश नहीं दे रही हूँ। ये मंत्री साहब को भी नहीं है? फोन काट दिया, देखिए आपके सामने कोई रेप हो रहा होगा, आप ये कहेंगे पहले कंप्लेंट लो उसके बाद हम एक्शन लेंगे? तुरंत तुरंत उनकी आंखों के सामने देखा आपने? एक्शन होना चाहिए या नहीं? एक सेकंड, आप ये पुलिस वाले कुछ ज्यादा होशियार है? आपका नाम क्या है? एएसआई यशपाल है ये, और इनकी बातें बहुत दिलचस्प लगेंगी आपको, लेकिन सुन के शर्म भी आएगी कि ये हमारी गैर जिम्मेदाराना पुलिस है। भाई साहब सुनिए, डीजीपी साहब को फोन लाइन पे लो। ये एक और शराब की बोतल मैडम, नहीं पता कहाँ से लाए हो तुम? चलो मेरे साथ आ जाओ। ये एक और शराब की बोतल मेरी टीम ने दूसरे ठेके से खरीदी है, वो भी ठेका खुला हुआ है।
ये वाट लगा आइए हमारी गाड़ी बैठिए ना। नमस्कार, मैं प्रतिमा दत्ता बोल रही हूँ हरियाणा न्यूज से। सर, इस वक्त हम फरीदाबाद के सेक्टर 16 में खड़े हैं। यहाँ पे शराब के कुछ ठेके हैं, यहाँ पे धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है आधी रात को 1 बजे के आसपास भी। हमने कंप्लेंट की, पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे, एएसआई इस वक्त हमारे साथ थे। हमने उनकी आंखों के सामने एक बार फिर से ठेके से शराब खरीदी। यहाँ पे एएसआई आए हैं, वो हमारी बात को सुन नहीं रहे, वो उल्टा हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। एक और ठेका भी इस वक्त यहाँ पे खुला है, उससे भी शराब बिक रही है, लेकिन आपकी पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। सर, फरीदाबाद में सेक्टर 16 के थाने में डीजीपी साहब का लाइन भाई साहब सवालों के जवाब नहीं बने तो पीसीआर भी पतली गली से निकलती नजर आई। ये भाग गए, हरियाणा पुलिस के होनहार वीर देख लीजिए। जब इनको अवगत करवाया कि देखिए सरेआम शराब बिक रही है, तब ये जनाब यहाँ से भाग गए। और जब संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला तो हमने भी घुमा दिया फोन डीजीपी साहिब को, तो ये कहने लगे। डीजीपी साहब का फोन, डीजीपी साहब आपके एएसआई हमें यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं महिला पुलिस बुलाता हूँ मैं, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। जी सिटी सेंट्रल है, जिनका एरिया है। जी सर, जी उनसे मेरी बात हुई है, अभी आपके पास एक डीएसके आ रहा हूँ। ठीक है, हमने इंतजार किया तो डीसीपी मौके पर पहुंचे। 45 मिनट हो गए यहाँ पर इंतजार करते करते। एसआई और कांस्टेबल तो हालांकि उन्होंने किसी बात को सुना नहीं, लेकिन डीजीपी साहब ने जरूर कहा था कि वो यहाँ पे भेजा है। डीसीपी साहब यहाँ पर आए भी, उनसे बात भी हुई हमारी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम सख्त एक्शन लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने अपना काम कर दिया और अब हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम यहीं पर बने हुए हैं, यहीं पर डटे हुए हैं, और हम इनको कह रहे हैं कि हम यहीं पर ही रहेंगे जब तक ये लोग यहाँ से बाहर नहीं आ जाते। अब देखिए यहाँ पर डीसीपी साहब को वो भेज रहे हैं, एसीपी साहब पहले ही आ गए थे। डीसीपी साहब उपेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, पूरे मामले के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, इस तरीके से बच्चनों की पहले तो आपके पुलिस वालों ने ही की, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन बन पाए? आपने बदसलूकी की है, निश्चित तौर पर उसकी कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। आपने नाम बता दिया मेरे को उसका, बहरहाल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को बुला लिया, जो एक्साइज कार्रवाई बने तो एक्साइज अपनी कार्रवाई करेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को भी इन्होंने इत्तला कर दिया यहाँ पर आने के लिए, कह दिया है। देखते हैं वो लोग कितनी देर में यहाँ पर पहुँचते हैं और कंबाइन क्या कुछ एक्शन इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर लिया जाता है। बना के पूरी रात शराब बिक रहे हैं यहाँ पर, तो कितनी लंबी चौड़ी सेटिंग होगी इन लोगों की, दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त टीवी, उनको भी समझ में आ रहा होगा, आपको भी मालूम है। कैमरे पे मान नहीं सकते, एडमिट नहीं कर सकते, वो आपकी भी मजबूरी है और आपको भी पता है, हम भी जानते हैं। मुझे इनको बाहर निकालना तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी है। आप इन लोगों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी बनती है जो अंदर शराब बेच रहे थे, कि नहीं बनती? कि बिकी, बात खत्म, शिकायत हुई, एसीपी साहब खड़े हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है, पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, जो गलत हुआ ठीक है होने दीजिए, हम सुबह 9 बजने तक का इंतजार करेंगे। या हम फ़ोन करें कैप्टन अभिमन्यु को, उनको उनके पास विभाग है, उनको फ़ोन लाइन पे ले, उनके कोई आदेश होंगे आप वो मानेंगे? नहीं, किस तरीके से काम होगा आप मुझे बता दीजिए। मैडम, ऐसे ही इनको बाहर निकालने से कोई इनका क्रिमिनल ऑफेंस तो बनेगा नहीं। क्रिमिनल ऑफेंस अगर बनता नहीं, वो बाहर आ जाते तो? इतनी देर से पुलिस वालों ने नॉक किया, वो बाहर नहीं आए। आप पूछ लीजिए वो कितनी देर से नॉक कर रहा है, अगर उनका कोई गुनाह नहीं है तो वो बाहर आए ना। मैडम, जैसे हम पुलिस की नहीं मानते, हाउ डू यू नो, जो मुझे भी जानते है नहीं, मुझे फिर ना बाय नेम जानते ना वैसे जानते, उनको पता है पुलिस वाले हमारे साथ थे, तो दरवाजा कैसे खोले? उनको पता है पुलिस वाले हमारे साथ थे, उनको पता है पुलिस वाले खुलवाना है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पुलिस। आई विल आई टेक द हेल्प ऑफ पुलिस, यू टेक द हेल्प ऑफ पुलिस इन डू इट, इट्स नॉट माय वर्क, इट्स योर वर्क। आई एग्री। ताला तुड़वाया गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ना खाकी की हुई और ना एक्साइज विभाग की।
इस स्टेशन के अंदर से कोई बाहर नहीं आया, इन जनाब ने अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि पुलिस भी है यहाँ पर और एक्साइज भी है, लेकिन दोनों ही डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि हम दोनों अंदर नहीं जा सकते हैं, कल को शायद इनके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए उससे बचने के लिए। लेकिन अंदर भी वो दो लोग थे जो शराब बेच रहे थे, अभी भी फिलहाल अंदर ही है, लेकिन अंदर पुलिस या एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे तभी उन लोगों को बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि ये लोग पिछले 4 घंटे से इस दुकान के भीतर है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। कैसे जनाब, इस छेद से अंदर जाती सुरंग की काली कहानी में काला तो आपका भी कॉलर है। चलिए, तो एक्साइज वालों की अपनी अलग मजबूरियां हैं, ये दोनों जनाब काफी मशक्कत करनी पड़ी इनको, बहुत बार इसके मालिक टीपू से भी इनके जनाब की बात हुई, टीपू ने कहा कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहे हैं। आपने कोशिश भी नहीं की निकलने की? कोशिश की, कहाँ की? अंदर आप जाकर आपने एक बार देखा भी नहीं? उस समय तो कोई नजर नहीं आया ना, अंदर तो जाने से अंदर जाएंगे तभी तो आएगा, क्योंकि अंदर लोग छुपे हुए हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो आज पर एक्सरसाइज बोलो जाओ, उसके सामान परवर कर देंगे चंडीगढ़ से, वहाँ से जो जुर्माना जो भी पेनल्टी जो भी ऑफेंस का उसका जुर्माना लगेगा। तो इनका ऑफेंस और बढ़ता है ताले को ना खोल के? ऑफेंस तो बढ़ता है, चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात है ना। भागी रहे टीपू से, आप लगातार बात कर रहे थे इसके मालिक से, टीपू क्या कह रहा था आपको? टीपू जी क्या, मैं इंतजार को भेज रहा हूँ, वो कह रहा मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, तो इतनी देर से आपकी टीपू से यही बातचीत हो रही है? ये बारे में किसको, उसके दूसरे इंचार्ज को भेज रहा हूँ, तीसरे इंचार्ज को भेज रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो आप भी टीपू के आगे लाचार, ऐसे ही लाचार टीपू के सामने ये नजर आए, आप जैसे फोन पे लाचार थे वैसे अभी भी लाचार, कोई सख्त एक्शन होगा? फरीदाबाद में शराब की बिक्री बंद होगी? शराब की बिक्री, अवैध बिक्री बंद? अवैध बिक्री, अभी रात को जो बिक्री हो रही है शराब की, और जो ये होल्स बना के इलीगल तरीके से शराब बेची जा रही है, सारे बंद कब तक? ये भी इतने भी सारे करवा देंगे, हम घर जाके सो जाएंगे या सुबह एक नई जोश और नई स्फूर्ति से काम करेंगे, और जितने भी होल्स हैं तमाम ठेकों में उनको बंद करेंगे, बंद करेंगे। और अगर फिर से ऐसी कोई खामियां दिखी हमें? नहीं, ऐसी खामियां होंगी नहीं, वो खामी शायद आपके सिस्टम के अंदर भी हो। नहीं नहीं, हम बंद, बंद नहीं हुआ तो आपके सिस्टम के अंदर खामी है ये माने? नहीं, बंद ही होंगे अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी आपको ये, क्योंकि आपको दिखे तो नहीं ना, ये आपको नहीं, ये दिखे, नहीं आपको ये दिखे नहीं, पहले तो ये आपकी डिपार्टमेंट की गलती मानेंगे? गलती तो मैं क्या है, बाकी कमी तो रही होगी ना आपके काम में, बाकी आगे से आपके काम में कमी तो रही होगी। लाचारी तो दिखा दी और किसी तरह से इन सवालों के मायाजाल से ये बच गए, ताला लगाने में जरा सी भी देरी नहीं की। इस सर्द रात में कहीं ना कहीं हमने लोगों के पसीने छूटते देखे, हमने उनके चेहरे पर वो परेशानी देखी, हमने उनके चेहरे पर वो डर देखा, वो खौफ देखा, जो ये बता रहा था कि ये लोग किसी से तो डर रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग लगातार इस ठेके के मालिक से बात करते रहे, उससे फोन पे लगातार उनकी बात होती रही, लेकिन बावजूद इसके इस ठेके की तरफ से कोई भी सपोर्ट ना एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को मिला और ना ही पुलिस वालों को मिला, जो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ तो गड़बड़ है, या दाल ही काली है, दाल ही खराब है। ये तमाम चीजें सोचनी आपको है, फैसला आपको करना है, क्योंकि हमारा ये फर्ज था कि आपको अवगत करवाएं तमाम ऐसी चीजों से जो हमारी सोसाइटी में गलत हो रही है, और खास तौर पे वो चीजें जिनकी वजह से क्राइम और भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद रेप सिटी ये बन चुका है। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की यहाँ पर धज्जियां उड़ती नजर आई, उन तमाम चीजों के बाद हमने सोचा कि आज ग्राउंड जीरो पर जाएं, देखें वहां पर क्या हालात हैं, क्या वाकई में अब पुलिस वाले मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे, और यहाँ पर ना सिर्फ हमें पुलिस वालों के कार्यशैली में कहीं लूप होल्स दिखे, बल्कि एक्साइज डिपार्टमेंट हमने मौके पर पहुंच के सब कुछ शिकायत की, लेकिन आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बातों को घुमाया और एक्शन ना लेने के बहाने ढूंढ लिए। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहती हूं कि इस स्टोरी के टीवी पे चलने के बाद मंत्री जी हरकत में आए, कैप्टन अभिमन्यु के पास ये विभाग है, उनके एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने इस सब पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, अभी इसी वक्त इसका जवाब उनसे जरूर पूछा जाए, और जो भी दोषी है जिस
की भी वजह से जिसकी भी रहमो करम पर यहाँ पे धड़ल्ले से अवैध तरीके से आधी रात को शराब बिक्र की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।